દાદા ના ગરબા માં તો એક નંબર મજા છે. પણ આજે ગ્રાઉન્ડ હતું ને. तो केम जो पब्लिक, आई होप आप सब लोग मजे में होंगे. तो फिर से एक बार आ चुका है आपका दोस्त, आपका यार, आपका प्यार कुलदीप, आपकी फेवरेट नवरात्रि सीरीज लेके. तो जो लोग हमारी फैमिली में पिछले 3-4 साल से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है कि ये सीरीज क्या है. लेकिन जो लोग नए हैं मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं नवरात्रि के 9 के 9 दिन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा जाता हूं और 1-2 दिन LVP जाता हूं अगर आप लोग मुझे कहो तो. और 9 के 9 दिन में आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाता हूं. तो आप लोग मुझे इस सीरीज में बहुत प्यार देते हो तो मैं आशा करूंगा इस साल भी आप लोग मुझे उससे ज़्यादा प्यार दोगे. और इस बार मैंने एक छोटा सा टारगेट सोचा है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है. मुझे पता है आप लोग कर दोगे कि हमारी YouTube फैमिली ऑलरेडी 5000 हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि नवरात्रि के एंड तक हम 10,000 क्रॉस कर लें. मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है लेकिन मुझे आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग ज़रूर करोगे. तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो और हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता है और बहुत अमेजिंग वीडियोस लाता है. और नवरात्रि सीरीज तो आप लोग जानते ही है तो बहुत मज़ा आएगा. और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लोग गरबा खेलने नहीं आ सकते. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, पृथ्वी, खुशबू, आकाश, बहुत सारे जो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं. तो ये व्लॉग उन सभी के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो वडोदरा के नवरात्रि अटेंड करना चाहते हैं पर अटेंड नहीं कर पाते, ये उन लोगों के लिए. और एक छोटी सी बात, आखिरी बात है, फिर फटाफट गरबा खेलने जाते हैं, मैं ऑलरेडी लेट हो रहा हूँ, कि अगर आप में से कोई वीडियो में दिखे तो नीचे कमेंट में बताना कि मैं हूँ इस पार्ट पर, या आपका कोई जानने वाला दिखे तो ये वीडियो उस तक शेयर कर दीजिएगा. और कुछ भी नहीं तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत दिनों के बाद गरबा खेलने को मिलेगा. तो कोई नहीं, बता दीजिए पहले कि आपका भाई कैसा लग रहा है. तो अब मैं आपको मिलता हूँ सीधा ग्राउंड पे. तो टिल देन मिलते हैं सीधा ग्राउंड पे. और एक लास्ट कि वीडियो का एंड 9 के 9 दिन वीडियो का एंड मिस मत करना, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जरूर होगा. तो मिलते हैं सीधा ग्राउंड पे. तो गाइस फाइनली ग्राउंड पर पहुंचवा है ना, 10 तो हमने बाहर ही भागी गया है. तो भाई तो बहुत खतरनाक मजा आवानी है, चलो फटाफट. गोली गोली नाना काड़ो का कर में
वर्तन वर्तन तारी पड़े कंकन वर्तन तारी पड़े
બાકીની વાતો ઘરે જઈને કરું, હજુ એક જગ્યાએ જવાનું છે તમને બતાવું, તો વેઇટ કરજો, થોડી વારમાં આપણે ત્યાં પહોંચી જઈશું. ઓકે ગાઈઝ, ફાઇનલી ગરબા તો ખતમ થઈ ગયા છે ને મજા આવી, પણ કિચડ ને બધું બહુ હતું એટલે થોડી ઓછી મજા રહી. ને ભૂખ લાગી છે તો આપણે આવી ગયા છે ઓવન સ્લાઈસ ઉપર. અને હા, ઓવન સ્લાઈસ કેફે તમારું ભાઈનું છે જે તમારા લોકો માટે સવારે 6 વાગ્યા સુધી ઓપન રહેશે. હું તમને કેફેનો વ્યૂ બતાવી દઉં, જો કેફે સવારે 6 વાગ્યા સુધી ઓપન રહેશે. તો તમે સ્વિગી ઝોમેટો બી કરી શકો છો, અને ગરબા રમીને થાકી ગયા હોય તો તમે સીધા અહીંયા આવી જતો. તમને પિઝા, સેન્ડવિચ, પાસ્તા, મોકટેલ્સ, કોલ્ડ કોફી બધું બહુ છે મેન્યુમાં. તો અહીંયા આવજો, અને યાર આપણા ટેસ્ટની તો મેં ગેરંટી લઉં છું, મેં ખુદ, કે તમને બહુ ભાવશે. અને આવી જઈએ આપણે ગરબા ઉપર. તો મજા આવી, પણ વાંધો નહીં, એમને કીધું છે કાલે બધું ઠીક કરી દેશે. તો કંઈ નહીં, આ હતો આજનો વિડીયો. તો તમારામાંથી કોઈ વિડીયોમાં દેખાયું હોય, અને મેં લાગે છે મેં બધું ગુજરાતીમાં બોલી ગયો, તો કોઈ નહીં, અગર આપને સે કોઈ વિડીયો મેં દિખાઓ તો વિડીયો કે નીચે કમેન્ટ કરના. અગર આપકા કોઈ જાનને વાલા વિડીયો મેં તો યે વિડીયો ઉસકો શેર કર દેના. કસ્ટમર આયા. અને હા, તો યે વિડીયો ઉસકો શેર કર દેના. ઓર અગર અભી તક આપને હમારી ફેમિલી જોઈન નહીં કિયા તો ક્યા કર રહે હો, ફટાફટ નીચે સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ટેપ કરો ઓર હમારી ફેમિલી મેં જોઈન હો જાઓ, ક્યોંકિ હમ એસે હી બહોત સારે અમેઝિંગ ઓર 9 કે 9 દિન નવરાત્રી કે બ્લોગ લાતે રહેંગે આપકે લિયે. તો કોઈ નહીં, ટિલ ધેન મિલતે હૈ નેક્સ્ટ વિડીયો પર.